हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान नींद ना आने की समस्या होने के बारे में। बहुत सारी महिलाओं का सवाल आता है, मैम हमें नींद नहीं आती है, हम रात में बहुत देरी से सोते हैं, 3 बजे 4 बजे नींद आती है, और कई बार तो हम सुबह भी नहीं सो पाते, मतलब ये कि दोपहर में नहीं सो पाते, दिन में नहीं सो पाते हैं, और नींद ना पूरी होने की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हम क्या उपाय करें, कैसे अपनी नींद पूरी करें, और नींद पूरी ना होने की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो सारी बातें जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि आप क्या उपाय कर सकते हैं और आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि कई बार कुछ गलतियां हम करते हैं जिस वजह से हमें ठीक से नींद नहीं आती है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहले बहुत अच्छी नींद आती थी, प्रेगनेंसी में आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है। बहुत सारी महिलाओं के साथ यह परेशानी हो जाती है, उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि आप ठीक तरीके से सो ना पा रही हो, क्योंकि जब आपका पेट बड़ा हो जाता है, खासतौर से प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है कि करवट लेने में तकलीफ़ होती है, आप कंफर्ट होके सो नहीं पाते हैं, लेट नहीं पाते हैं, बेचैनी हो जाती है, तो ऐसे में नींद नहीं आ पाती है। और बहुत सारी महिलाओं को इस समय बार बार यूरिन जाने की समस्या हो जाती है, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा होती है, बीच में कम हो जाती है, फिर लास्ट के महीने में बहुत ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। तो बार बार पेशाब जाने की वजह से आपका नींद ख़राब हो जाता है, आप सो नहीं पाती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा तनाव में आ जाती हैं, कई बार बच्चे के बारे में सोचती हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाती हैं, तो सोचते सोचते नींद नहीं आती है। अगर घर में माहौल ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा का माहौल है, या फिर कोई आपको कुछ कह देता है, तो उसको भी आप दिन पे ले लेते हो और उसके बारे में सोचते रहते हो और आपको ठीक से नींद नहीं आती है। और बहुत सारी महिलाओं के साथ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पाँव में कंपन की समस्या हो जाती है, पैरों में ऐठन की समस्या हो जाती है, तो पैरों में दर्द की वजह से, ऐठन की वजह से भी कई बार नींद नहीं आ पाती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से महिलाएँ सो नहीं पाती हैं। और इसके अलावा कुछ कारण होता है आपकी गलती, आप कुछ गलतियाँ करती हैं, उस वजह से भी आप ठीक से नहीं सो पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है बार बार चाय पीने की, बहुत सारी महिलाएँ तो रात में चाय पीती हैं तो नींद खराब हो जाती है, फिर आप कहोगे कि नींद नहीं आती। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें भी कैफीन होता है, इसके अलावा आप चॉकलेट खाते हैं, उससे भी नींद खराब होती है। तो जिन चीज़ों में कैफीन होता है आपको वो चीज़ें कम लेनी है, नहीं तो आपकी नींद खराब होगी ही होगी। इसके अलावा देखिए, आप 3 से 4 लीटर पानी डेली पीजिए, लेकिन अगर आप रात के टाइम में ज़्यादा पानी पियेंगी या फिर ऐसा कुछ खा पी लेंगी, जैसे कि रात में आप सलाद खा रहे हैं, क्योंकि सलाद में खीरा में पानी ज़्यादा होता है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा शरीर में चली जाएगी तो बार बार यूरिन जाने की समस्या होगी। तो पानी आपको उतना ही पीना, लेकिन कोशिश करें कि दिन में ज़्यादा पानी पिएं, रात में आप पानी कम पिएं। कम पानी पिएंगे तो बार बार यूरिन जाने की समस्या भी नहीं होगी, होगी लेकिन पहले के मुकाबले कम होगी। और हाँ देखिए, रात में हम दूध वगैरह पीते हैं तो सोने से लगभग 2 घंटे पहले आप दूध पी लीजिए, ताकि सोने से एकदम पहले आप पी के ना लेटें, पी के लेटेंगे तो फिर आपको वही है कि बार बार यूरिन जाने की समस्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको खाने में ध्यान रखना है। रात के समय आपको ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, ज़्यादा तला भुना मसाले वाला खाना नहीं खाना है, हल्का फुल्का खाना खाना है, और वो भी सोने से कम 2 से 3 घंटे 4 घंटे पहले। ठीक है, क्योंकि अगर आप रात में बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं, मसाले वाला खाना खाते हैं, तो इससे आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, सीने में जलन, बदहजमी की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे में भी आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करें कि रात का खाना हल्का रखें और सोने से बहुत पहले कर लें, ताकि वो पच जाए और आप आराम से सो सकें। इसके अलावा हम क्या गलती करते हैं, रात के टाइम लैपटॉप, मोबाइल या फिर टीवी देखते रहते हैं, खासतौर से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, देर रात तक करते रहते हैं, और फिर हम सुबह लेट जगते हैं, क्योंकि लेट जगोगे तो फिर रात में लेट सोओगे। मोबाइल की वजह से तो वैसे भी नींद ख़राब हो जाती है, इसलिए आप जितना कम रात में मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ देखने लग जाते हैं तो फिर देखते देखते बहुत टाइम लगा देते हैं, कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, हमें लगता है नींद नहीं आ रही है, तो मोबाइल चलाते रहो, देखते रहो, कुछ ना कुछ अपना टाइम पास करते रहो, और फिर बाद में आप बिस्तर पर जाते हैं तब तक आपकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर आपको नींद नहीं आती है। इसलिए रात में कम से कम सोने से 1 से 2 घंटे पहले आप मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दें, तो आपको अच्छी नींद आएगी। और हाँ देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि सोने जगने का ना टाइमिंग नहीं बनाते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी जग जाते हैं। अगर आप रात में एक टाइम बना लोगे 10 बजे 11 बजे कि मुझे इतने बजे तक सोना है, आप उतने बजे बिस्तर पर चली जाएंगी सोने के लिए, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको जल्दी से नींद ना आए, लेकिन
धीरे धीरे जब आदत बन जाएगी ना तो आपको उसी टाइम पे ही नींद आएगी और आप उसी टाइम पे ही जगोगे। अगर आपने आदत बना रखी है कभी 3 बजे सोने की, कभी 4 बजे सोने की, और कभी रात में 12 बजे सोने की, और कभी सुबह आप 8 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो रूटीन है वो ख़राब हो जाता है और ऐसे में आपको ठीक से नींद नहीं आती है। इसलिए सोने जगने का एक टाइमिंग आपको बनाना होगा और कोशिश करें रात में जल्दी सोएं ताकि सुबह जल्दी जगें। जल्दी जगोगे तो सुबह आप ताज़ी हवा ले पाओगे, सुबह आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, सुबह आप टहल पाएंगे, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से तनाव कम होता है, आपका मन खुश रहता है। अगर आपका मन खुश रहेगा तो हो सकता है कि रात में जब आप सोते हैं आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग आती है, अलग अलग आप टेंशन में आ जाते हैं, सोचते रहते हैं तो नींद नहीं आती है, तो आपका वो तनाव भी कम होगा, आपका अंदर से जो है शरीर अच्छा बनेगा, तो अच्छे से आप सो पाएंगे। तो बहुत सारे फायदे होंगे टाइम पर सोने का, इसलिए टाइम पर सोने की आदत ज़रूर बनाइए। सो फ्रेंड्स, देखो आप कौन कौन सी गलती करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आपको उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए मैंने आपको वो भी बता दिया। अब हम जान लेते हैं कि इसके अलावा आप क्या क्या उपाय कर सकती हैं ताकि आपको अच्छी नींद आए। सबसे पहले तो जब आप रात में सोने जाती हैं ना, तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से अच्छा है कि आप मधुर संगीत सुने। अगर आप मोबाइल में कुछ भी वैसे वैसा देखते हैं तो उससे अच्छा है कि आप कोई अच्छा सा मधुर सा संगीत सुनो। म्यूजिक सुनने से आपका माइंड रिलैक्स होता है और आपको अच्छी नींद आती है। आप गर्भ संस्कार वाले भी संगीत सुन सकते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, उनको सुनिए। या फिर जो आपको म्यूजिक पसंद है सॉफ्ट म्यूजिक, आप उनको सुनिए, उससे आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होगा। कई बार मोटिवेशनल चीज़ें सुनने से भी अच्छी नींद आती है, तो आप उनको भी सुन के देखिए, शायद आपको अच्छी नींद आने लग जाए, क्योंकि माइंड शांत हो जाता है तो नींद अच्छी आती है। दूसरा क्या होता है कि आपको ना सोने का माहौल अच्छा करना होगा, क्योंकि अगर आपका बिस्तर ठीक नहीं है तो ऐसे में भी आपको कई बार ठीक से नींद नहीं आती है। और देखो प्रेगनेंसी के दौरान आपको हमेशा 2 तकिया या फिर 3 तकिया का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 तकिया आपको सर पे लगाना है, आप 1 तकिया पेट के नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि पेट भारी हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो पेट में दर्द होने लग जाती है, तो पेट को आराम देने के लिए पेट के नीचे 1 तकिया लगा लीजिए। 1 तकिया आप दोनों जांघ के बीच में लगा लीजिए, मतलब कि घुटने के नीचे रख लीजिए, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा और आप आराम से सो पाएंगी। और प्रेगनेंसी में सोने का सही तरीका यही है, आप करवट से सोइए, दाएं करवट या फिर बाएं करवट, और ख़ास तौर से लेफ्ट साइड यानी कि बाएं करवट सोना चाहिए। इससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है, बच्चे अच्छे से हलचल करते हैं और आपके पीठ में दर्द की समस्या नहीं होती है, पैरों में दर्द की समस्या कम होती है। तो इसीलिए तकिए का इस्तेमाल करें और करवट से लेटिए तो आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। बाकी अच्छे बिस्तर का चुनाव करें, साफ़ सुथरा होना चाहिए, गद्देदार होना चाहिए ताकि आपको वो चुभे ना, तो आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। तो आप ये उपाय कर सकती हैं। और देखिए प्रेगनेंसी के दौरान तनाव की समस्या भी होती है, शरीर में दर्द की समस्या भी होती है, ऐंठन की समस्या होती है, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई ऐसा हो, आपके हस्बैंड या फिर कोई घर में और भी हो जो कि आपकी हल्की फुल्की मालिश कर सके, तो आप मालिश करवा के सोइए। इससे आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आती है। मालिश करवाने से वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और तनाव भी कम हो जाता है, शरीर भी रिलैक्स हो जाता है, तो आप हल्का फुल्का मालिश भी करा सकती हैं। और इसके अलावा आपके कमरे में पर्याप्त अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि कई बार उजाले में ठीक से नींद नहीं आती, नींद ख़राब होती है, कमरा अंधेरे में हो जाता है तो अच्छी नींद आती है। इसलिए लाइट वगैरह बंद करके आराम से सोइए। बाहर से रोशनी आती है तो पर्दा वगैरह अच्छे से बंद कर दीजिए और अपने कमरे का तापमान देख लीजिए, क्योंकि गर्मी का महीना है तो गर्मी बहुत लगती है और गर्मी लगेगी तो आप कैसे सो पाएंगे। इसलिए अपने कमरे का तापमान अच्छा कर लीजिए, सोने लायक बना लीजिए, उसके बाद सोइए। और हाँ, देखिए बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हमें नींद नहीं आती है, तो क्या इससे हमारे बच्चे को भी कुछ दिक्कत होती है, क्या हमारा बच्चा भी इससे प्रभावित होता है? तो देखिए, अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद की वजह से कोई परेशानी नहीं होती है, तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ देखो, बच्चा आप जब काम कर रही होती हैं, आप जगी होती हैं, तब भी बच्चा सो रहा होता है, क्योंकि बच्चा गर्भ में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है सोने में, बच्चा आराम से सोता है और उसका पालन पोषण भी अच्छे से होता है। लेकिन दिक्कत जब आती है, जब नींद की वजह से आप खाते पीते नहीं हो और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हैं और आपको काम करते करते इतना थकावट हो गया कि आप गिर गई हैं, चक्कर आ रहे हैं आपको, या फिर आप रास्ते में चलते चलते सो जा रही हैं, मतलब कि कुछ भी ऐसा हो रहा है कि जिससे आपको चोट लग जाए, या फिर आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रही हैं, तो हो सकता है कि बच्चे को थोड़ी बहुत इससे परेशानी हो जाए। और वैसे भी डिप्रेशन में बच्चे को दिक्कत होती ही है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। और हाँ देखिए, कई बार ऐसा होता है कि काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर रहता है, तो ऐसे में भी कई बार ठीक से नींद नहीं आती है। अगर आप जॉब वगैरह करती हैं या फिर आपके घर में बहुत सारा काम है, तो
अपने घर वालों से बात करके उस कामों से थोड़ी सी छुट्टी ले लीजिए, काम कीजिए लेकिन कम कर दीजिए ताकि आपके माइंड पर ज़्यादा प्रेशर ना रहे और आप आराम से सो सकें। क्योंकि अगर आप बाहर काम करते हैं तो ऐसे में भी दिक्कत होती है, अगर आपके घर में बहुत सारा काम है, दिन भर आप घर के काम में लगी रहती हैं तो ऐसे में भी कई बार परेशानी तो वैसी रहती है शरीर में, और काम की वजह से आप और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं तो आपको और नींद नहीं आती। इसलिए थोड़ा बहुत दिन में आराम करें एक आध दो घंटे, और रात में भी आप आराम से सोइए। तो यही चीज़ आपको करनी है, तो इससे आपको अच्छी नींद आएगी। तब भी नहीं आती है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का समाधान वही कर सकती हैं। तो उनके पास ज़रूर जाइए, आपको जो प्रॉब्लम है उनसे शेयर कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।